अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी पढ़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका क्या कर रहे हैं है। मजा आया। कौन इसके पीछे खड़ा है आज आर पार में इस गैंग का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हर राज, मैं तो आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। आप तब से कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते, आप फलाना हो जाते जी, आप ढिमकाना हो जाते। तो मैंने आपको बोला कि मेरे 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 पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए ना। भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं सबसे प्रश्न पूछ लेता हूँ पवन जी। सारे सवाल विपक्ष से। अच्छा, आप मुझ पर अपना सारे सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो सुनने का मौका। आप मुझ पर अपनी पूरी खींच निकाल लीजिए, एक मिनट और ले लीजिए, निकाल लीजिए। जितना आपका गुस्सा है, जितनी खींच है, सब निकाल लीजिए। चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मौका रखिए। चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए। ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। पवन जी नहीं है। देश के धोखेबाज है आप लोग, देश के गद्दार है आप लोग। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप बुरा भला कह रहे हैं, आप चापलूस कह रहे हैं, आप और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब अपनी बात को रखिए, मुझे बीच में मत लाइए। मैं दोबारा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब अपनी बात को रखिए। अरे तो मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। उसकी दुम ये हंसने का विषय नहीं है। पुलिस वाले के बच्चे ने बोला कि जिस दिन मैंने योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू देखे, उसी दिन मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा कर देंगे ये लोग। मैंने टेलीविजन पे सुना। आप ऐसा करो ना, आप तो जना बीजेपी की मेंबरशिप ले लो। अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप लोग सिर्फ जो है ना किसी की चापलूसी करते हो, सच्चाई पे नहीं आते हो। एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा जी। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है, और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के यहाँ पर बांटने की गलती भी मत करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले। तो किस तरह की बातें करते हैं आप? कांग्रेस को बुला के यहाँ से पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की? तभी इससे बात करिए। बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। म्यूजिक। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं डिबेट को, बोला कम्युनिज्म की बकवास है सब कुछ। आप एक वैसे डिबेट को कमेंट करना चाहते हैं तो मैं डिबेट अभी छोड़ दूंगा। मैं ऐसे किसी कमुरल बदतमीज के साथ बैठना नहीं चाहता जिसे अपने अपने अल्फाज पे काबू ना हो। गजब बेइज्जती है। रागिनी जी, निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप और आपके आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुरत मत करना राजनी नायक। चुप रहो। जनता, मैं आपसे पत्रकारिता का भाषण नहीं चाहिए, मैं आपके पिट्ठुओं से पत्रकारिता का भाषण चाहिए मैडम। कुछ देर पहले मैंने सुना कि आपने डिबेट में मुझे कहा कि तुम चुप रहो रागिनी, और मुझे कोई हिम्मत नहीं कर सकता सरकार का पिट्ठू बोलने का। मैं इस बात की निंदा करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ तो कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे दो गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है, दो गुना ज्यादा। सर आज ना नरेंद्र मोदी की बात है, ना गोदी की बात है, आज देश की बात है। हम सब देश की गोदी में हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले है कौन? सुनिए, पहचानिए ना उनको, गोदी मीडिया वाले कौन है? आर यू कॉमेडी मी? I make your speakers bang.